Welcome to Studygo with Zenith. For more videos, subscribe the channel and for latest update, follow us on Telegram and Instagram. अगर आपको इस सब्जेक्ट की सारी वीडियोस चाहिए तो वो सारी वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में मिलेंगी. उस प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार आप जरूर चेक कर लेना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 33 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. इसको हम पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे केस लॉस के साथ. सेक्शन नंबर 32 एंड सेक्शन नंबर 33, इन दोनों में ही उन लोगों के स्टेटमेंट की बात की गई है जिनको एविडेंस देने के लिए बुलाया नहीं जा सकता है, और ये दोनों ही हियरसे रूल के एक्सेप्शन है. इंडियन एविडेंस एक्ट में हियरसे एविडेंस एडमिसेबल नहीं माने जाते हैं. अगर ये एडमिसेबल होते हैं तो कुछ एक्सेप्शन के तहत होते हैं, जैसे कि सेक्शन नंबर 32 एंड सेक्शन नंबर 33, और इसी तरह से रजिस्ट्री हो गया, और इस तरह से बहुत सारे हैं. तो ये सब इस बात के एक्सेप्शन है कि जो हियरसी एविडेंस है वो एडमिसेबल नहीं होते हैं, और इस बात के भी एक्सेप्शन है कि जो ओरल एविडेंस है वो क्या होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए, जैसे कि सेक्शन नंबर 60 में बताया गया है. तो सेक्शन नंबर 33 ये कहता है कि अगर कोई पर्सन कोई स्टेटमेंट देता है और वो स्टेटमेंट वो जुडिशियल प्रोसीडिंग में देता है या फिर किसी ऐसे पर्सन के सामने देता है जो कि एविडेंस लेने के लिए ऑथराइज्ड है, और फिर स्टेटमेंट देने के बाद हो क्या जाता है, हो ये जाता है कि या तो वो पर्सन मर जाता है, या फिर वो पर्सन मिलता ही नहीं है, या फिर वो पर्सन इनकैपेबल हो जाता है एविडेंस देने से, यानी कि एविडेंस देने लायक ही नहीं रहता है, या फिर एडवर्स पार्टी उसको किसी तरीके से एविडेंस देने से रोकती है, या फिर उस व्यक्ति को देरी किए बिना या फिर कुछ खर्चा किए बिना एक्सपेंस किए बिना नहीं उपस्थित किया जा सकता है. और अगर उसने जो भी बात कही थी, जो भी फैक्ट स्टेट किया था, वो लेटर स्टेज में सेम प्रोसीडिंग की या फिर किसी सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग में, मतलब कोई दूसरी प्रोसीडिंग चली है, तो उसमें भी उसका प्रीवियस स्टेटमेंट बिना उसको बुलाए विटनेस के रूप में प्रूव किया जा सकता है. ये कहता है आपका सेक्शन नंबर 33. लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस मेंशन है जिनके तहत ही उस पर्सन का स्टेटमेंट जिसको विटनेस के रूप में बुलाया नहीं जा सकता है सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में या फिर उसी प्रोसीडिंग के लेटर स्टेज में रेलेवेंट होगा जब ये सारी कंडीशन फुलफिल होंगी. पहली कंडीशन ये है कि जो प्रोसीडिंग के पक्षकार थे, पहली प्रोसीडिंग के जो पार्टीज थे, वही पार्टीज होनी चाहिए सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में, या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए. दूसरी कंडीशन ये है कि जिस पर्सन की बात कर रहे हैं हम, जिस पर्सन के स्टेटमेंट की रेलेवेंसी की बात हो रही है, उस पर्सन को फर्स्ट प्रोसीडिंग में एडवर्स पार्टी के द्वारा क्रॉस एग्जामिन किए जाने का एडवर्स पार्टी को राइट और अपॉर्चुनिटी मिला होना चाहिए. तीसरी कंडीशन है जो क्वेश्चन फर्स्ट प्रोसीडिंग में सब्सटेंशली इशू में था, वही क्वेश्चन इशू में होना चाहिए सेकंड प्रोसीडिंग में. तो ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल होंगी तभी उस पर्सन का स्टेटमेंट जिसको एज अ विटनेस बुलाया नहीं जा सकता है उन कारणों की वजह से जो भी हमने डिस्कस की है इस सेक्शन में रेलेवेंट होगा, तभी जब ये सारी कंडीशन फुलफिल होंगी. तो उस पर्सन ने जो भी स्टेटमेंट वगैरह दी होंगी उनको हम डेपोजिशन कह सकते हैं, और उस पर्सन को हम डेपोनेंट कह सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा. सेक्शन नंबर 33 में एक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि क्रिमिनल ट्रायल और इंक्वायरी सेक्शन नंबर 33 के तहत प्रोसिक्यूटर एंड एक्यूज के बीच में प्रोसीडिंग मानी जाएंगी. जैसे कि आपको पता ही है जो क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं, थ्योरेटिकली जो ऑल प्रोसिक्यूशंस होते हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं इन द नेम एंड ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, बट इन प्रैक्टिस हर क्रिमिनल केस में जो कंप्लेनेंट होता है वही होता है प्रोसिक्यूटर. इस चीज से संबंधित आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए कि जिस डिपोजिशन की बात की गई है सेक्शन नंबर 33 में, ये डिपोजिशन अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग में दी गई है उस पर्सन के द्वारा जो कि सेक्शन नंबर 33 में हमने आपको बताया था, तो वो डिपोजिशन उसकी सिविल सूट में भी आगे यूज की जा सकती है. इसी तरह अगर सिविल सूट में कोई डिपोजिशन दी गई है उस पर्सन के द्वारा, तो वो डिपोजिशन क्रिमिनल प्रोसीडिंग में भी यूज की जा सकती है, बट शर्त यही है कि जो सेक्शन नंबर 33 की कंडीशंस हैं वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होनी चाहिए, फुलफिल्ड होनी चाहिए. तो ये बात आपकी हेल्ड हुई थी एम्परर वर्सेस मोहम्मद यूसुफ 1932 के केस में. अगर इस बात का एग्जांपल मैं आपको दूं तो इस चीज के लिए मैंने यहाँ पर साइट किया है एक केस जिसका नाम है फूल किशोरी वर्सेस नोबिन चंद्र. हुआ क्या था, जो डी था उसने एन के खिलाफ एक प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट किया था एफ के बिहाफ में. किस चीज के लिए, जो घर एफ का था उसके घर में क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए. और जब ट्रायल स्टार्ट हुआ तो एफ के बिहाफ में ही डी ने एविडेंस दिया. इसके बाद एफ ने सिविल सूट लाया एन के अगेंस्ट उस हाउस के पजेशन के लिए, और जैसे ही सिविल सूट की हियरिंग स्टार्ट हुई
तब तक डी मर चुका था। तो यहाँ पर जो डी ने डेपोजिशन दिया था क्रिमिनल कोर्ट में, वही सिविल सूट में एफ ने एविडेंस के रूप में पॉइंट ऑफ पोजेशन के लिए पेश किया। तो इस केस में ये बात हेल्ड हुई कि जैसे कि डी मर चुका है और जो प्रोसीडिंग है वो सेम पार्टीज के बीच में ही है, पहले जिस पार्टीज के बीच में क्रिमिनल प्रोसीडिंग थी उन्हीं पार्टीज के बीच में अब सिविल प्रोसीडिंग है, जैसे कि पहले एफएन के बीच में ही थी और अब भी एफएन के बीच में ही है, और जो इशू है वो सब्सटेंशियली सेम है, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में था वही इशू सिविल प्रोसीडिंग में है। और जो डी पर्सन था उसको एन ने क्रॉस एग्जामिन भी कर लिया था, एन को पूरी अपॉर्चुनिटी एंड राइट था उसको एग्जामिन करने का, और उसने डी को क्रॉस एग्जामिन भी कर लिया था प्रीवियस केस में। तो इस तरह से कहने का मतलब यही है कि अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग में डिपोजिशन दिया गया है तो उस डिपोजिशन को सिविल सूट में यूज किया जा सकता है, उसी तरीके से अगर सिविल सूट में कोई डिपोजिशन दिया गया है तो उसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग में यूज किया जा सकता है। लेकिन शर्त यही है कि सेक्शन नंबर 33 में जो भी कंडीशन दी गई है वो पूरी तरीके से फुलफिल होनी चाहिए। जैसे कि इस सेक्शन में कहा गया है कि अगर पर्सन इनकैपेबल हो गया है एविडेंस देने से, तो यहाँ पर किस इनकैपेबिलिटी की बात की गई है? इनकैपेबिलिटी का मतलब यहाँ पे है कि किसी भी तरीके से अगर पर्सन एविडेंस नहीं दे पा रहा है, लाइक पर्सन इनसेन हो गया है, ब्लाइंड हो गया है, डम्ब हो गया है, पैरालिसिस हो गया है उसको, या फिर नर्वसनेस की वजह से वो इनकैपेबल हो गया है एविडेंस देने से। लेकिन ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि मंडल वर्सेस मंगाराम 1961 के केस में हेल्ड हुई थी, कि जो इनकैपेसिटी है वो प्रूव्ड होनी चाहिए स्ट्रिक्टली। लाइक इस केस में कहा गया था कि अगर एक बूढ़ा पर्सन, एक ओल्ड मैन और एक ब्लाइंड पर्सन मूव नहीं कर सकता है तो उसको ये माना जाएगा कि वो इनकैपेबल है एविडेंस देने से। लेकिन ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो इनकैपेबिलिटी है वो प्रूव्ड होनी चाहिए और स्ट्रिक्टली प्रूव्ड होनी चाहिए। और जैसा कि इस सेक्शन के प्रोविजो में लिखा है कि एडवर्स पार्टी को उस पर्सन का, जिस पर्सन के एविडेंस की बात की गई है सेक्शन नंबर 33 में, उस पर्सन का क्रॉस एग्जामिनेशन करने की अपॉर्चुनिटी और राइट मिलना चाहिए। तो वो एडवर्स पार्टी का मतलब क्या है? एक केस था वीएम मैथ्यू वर्सेस वीएस शर्मा एंड अदर्स, 1996 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बात हेल्ड करी थी, एडवर्स पार्टी वो पार्टी है जिसके अगेंस्ट फर्स्ट हियरिंग में विटनेस प्रोड्यूस किया गया था। और यहाँ पर सेक्शन नंबर 33 में जिस पर्सन के डेपोजिशन की बात की गई है, जिस पर्सन के प्रीवियस स्टेटमेंट की रेलेवेंसी की बात की गई है, तो ऐसा कहा गया है ना इस सेक्शन में कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में वो स्टेटमेंट दी गई होनी चाहिए और उस पर्सन के समक्ष दी गई होनी चाहिए जो कि लॉ के द्वारा ऑथोराइज है एविडेंस लेने के लिए। तो यहाँ पर जिस जुडिशियल प्रोसीडिंग की बात की गई है उसके लिए हम रेफर कर सकते हैं सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 2 का आई क्लोज, जिसमें जुडिशियल प्रोसीडिंग को डिफाइन किया गया है और कहा गया है जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंक्लूड होती है वो प्रोसीडिंग जिनके तहत एविडेंस ओथ पर लीगली लिए जाते हैं। इस सेक्शन में जो डेफिनेशन है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। लाइक आपने सेक्शन नंबर 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में कोर्ट की डेफिनेशन जब पढ़ी होगी तो वहां पर आपने ये भी पढ़ा होगा कि कौन सी जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है, कौन सी जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होती है। अब यहाँ पर एक केस है बूटा सिंह वर्सेस क्राउन 1927 का। इस केस में बात हेल्ड हुई थी कि अगर कोई प्रोसीडिंग कंडक्ट की गई थी किसी ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष जिसको ज्यूरिसडिक्शन नहीं था उसको कंडक्ट करने के लिए, तो अगर एविडेंस किसी विटनेस का उस टाइम पर किया गया था और उसको उस प्रोसीडिंग में एग्जामिन किया गया था, तो जब वो प्रोसीडिंग दोबारा से कॉम्पिटेंट कोर्ट में चलेगी, जब उसका रीट्रायल होगा तो उस विटनेस के एविडेंस को उस कॉम्पिटेंट कोर्ट के समक्ष रीट्रायल में प्रूव नहीं किया जा सकेगा। और जैसे कि प्रोविजो में कहा गया है कि क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट एंड अपॉर्चुनिटी रहना चाहिए एडवर्स पार्टी को उस पर्सन का, जिस पर्सन के एविडेंस की रेलेवेंसी की बात सेक्शन नंबर 33 में हो रही है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक केस है अब्दुल रहीम वर्सेस एम्परर 1946 का। इस केस में बात हेल्ड हुई थी कि टू थिंग्स, एक तो राइट और अपॉर्चुनिटी, ये दोनों एक साथ अस्तित्व में होनी चाहिए, इन दोनों का एग्जिस्टेंस एक साथ होना चाहिए। अगर एडवर्स पार्टी के पास राइट है बट उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है क्रॉस एग्जामिनेशन की,
और या फिर एडवर्स पार्टी के पास राइट तो है ही नहीं, लेकिन उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करने की अपॉर्चुनिटी दे दी गई है, तो तब विटनेस के स्टेटमेंट को सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में यूज नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए दाल बहादुर सिंह वर्सेस विजय बहादुर सिंह 1930 के केस में ये बात हेल्ड हुई थी कि सेक्शन नंबर 33 की एसेंशियल रिक्वायरमेंट यही है कि जो पार्टी है उसको राइट एंड अपॉर्चुनिटी दोनों होनी चाहिए क्रॉस एग्जामिनेशन की, सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी और या फिर सिर्फ और सिर्फ राइट एनफ नहीं है, दोनों ही को एग्जिस्ट होने चाहिए, तभी ये माना जाएगा कि सेक्शन नंबर 33 की कंडीशन फुलफिल हो रही है। और अगर ऐसा होता है कि जो एडवर्स पार्टी है उसको राइट तो था क्रॉस एग्जामिन करने का और उसको अपॉर्चुनिटी भी दी गई थी कि आप क्रॉस एग्जामिन कर लो डेपेंडेंट को, लेकिन वो डेपेंडेंट को क्रॉस एग्जामिन करने में फेल हो गई, तो यहाँ पर भी एडवर्स पार्टी की गलती है ना। तो अब डेपोनेंट के बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के उसका जो प्रीवियस स्टेटमेंट था उसको सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में प्रूव किया जा सकेगा, और जो बाकी शर्तें हैं ना सेक्शन नंबर 33 की वो फुलफिल होनी चाहिए। तो ये चीज आपकी हेल्ड हुई थी जहानर अली खान वर्सेस एम्परर 1936 के केस में। 33 सेक्शन में जो प्रोविजन दिया गया उससे मिलते जुलते कुछ प्रोविजंस है, लाइक सीपीसी का जो ऑर्डर नंबर 22 है उसका रूल नंबर 5 ही कहता है कि विटनेस के स्टेटमेंट जो कि इंक्वायरी की स्टेज में दिए गए हैं वो केस के फाइनल हेयरिंग के स्टेज में रेलेवेंट होंगे। और ये बात मोहिंदर कौर वर्सेस प्यारा सिंह 1981 के केस में हेल्ड हुई थी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है सेक्शन नंबर 299 सीआरपीसी, ये भी सेक्शन नंबर 33 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट से मिलता जुलता है। यहाँ पर यही होता है कि एक्चुअल में जो अभियुक्त है अगर वो भाग जाता है तो उसकी एब्सेंस में ही डेपोनेंट का डेपोजिशन लिया जा सकता है और फिर उस डेपोजिशन को सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में सेम पार्टी के बीच में इस्तेमाल किया जा सकता है अगर डेपोनेंट मर जाता है, इनकैपेबल हो जाता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर सेम ही चीज़ है। तो यहाँ पर एक केस था निर्मल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2000 का केस है। इस केस में बात हेल्ड हुई थी कि सेक्शन नंबर 299 सीआरपीसी एंड सेक्शन नंबर 33 में जो प्री कंडीशन है वो पहले फुलफिल होनी चाहिए, वो इस्टेब्लिश की जानी चाहिए प्रोसिक्यूशन के द्वारा, तभी ये सेक्शन एक्शन में आएंगे। अब अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 32 एंड सेक्शन नंबर 33 में डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस तो यही है कि यहाँ पर सेक्शन नंबर 33 में ये कहा गया है कि पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग और बिफोर एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय लॉ टू टेक एविडेंस, यानी कि यहाँ पर स्टेटमेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग में की जा रही हैं और या फिर उस पर्सन के समक्ष ही जा रही हैं जो कि लॉ के द्वारा ऑथराइज है एविडेंस लेने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 32 की तो वहां पर जो डाइंग डिक्लेरेशन कर रहा है पर्सन, जो डिक्लेरेंट है, उसकी डिक्लेरेशन तब भी रेलेवेंट होती है जब वो जुडिशियल प्रोसीडिंग के बाहर की गई हो या फिर किसी ऐसे पर्सन के समक्ष की गई हो जो कि ऑथराइज नहीं है एविडेंस लेने के लिए। सेक्शन 33 एंड सेक्शन नंबर 32 में दूसरा डिफरेंस यही है, जैसे कि यहाँ पर 5 कैटेगरी दी गई हैं, सेक्शन नंबर 32 में सिर्फ और सिर्फ 4 कैटेगरी दी गई हैं, एक तो ही डाइज और या फिर मिलता नहीं है या फिर इनकैपेबल हो जाता है या फिर उसकी अटेंडेंस को प्रोक्योर कराने में अनरीजनेबल डिले होगा या फिर एक्सपेंस लगेगा, तो ये 4 कैटेगरी दी गई हैं। लेकिन सेक्शन नंबर 31 में 5वीं कैटेगरी ये दी गई है कि अगर एडवर्स पार्टी डिपेंडेंट को एविडेंस देने से रोकती है किसी भी तरीके से, तो यही मेन डिफरेंस है आपका सेक्शन नंबर 33 एंड सेक्शन नंबर 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। और साथ ही ये बात भी हेल्ड हुई है कि सेक्शन नंबर 32 एंड सेक्शन नंबर 33 के तहत अगर स्टेटमेंट कंसिस्टेंट है और प्रूव्ड होती है तो तब वो सेक्शन नंबर 158 के तहत एडमिसेबल होगी फैक्ट्स को रिबट करने के लिए, तथ्यों का खंडन करने के लिए, तथ्यों की संपुष्टि के लिए, तथ्यों को कॉरोबरेट करने के लिए। तो ये बात हेल्ड हुई थी हरिराम वर्सेस स्टेट के केस में। तो दोस्तों ये है आपका सेक्शन नंबर 33 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, थोड़ी मेहनत आप भी कर लेना, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इंडियन एविडेंस एक्ट की सारी वीडियोस आपको एक प्लेलिस्ट में मिलेंगी, उस प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार आप जरूर चेक कर लेना।